ये तो इसने खा लिया। बहुत ही टेस्टी है। गुड मॉर्निंग, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको अपनी गौशाला ले जाने वाली हूँ, और उसे कुछ लोग ओबरा भी कहते हैं और कुछ लोग गौशाला भी कहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। क्या है एक्चुअली, जब हमारा घर जला तो हमारा जो गौशाला थी वो ऊपर ही थी, मतलब मेरे घर में ही थी। तो घर जलने के बाद हमने गौशाला को खेत में शिफ्ट कर लिया, तो इस वजह से ये यहाँ पे है। तो हमें घर से ये थोड़ा सा ही दूर है, 5 मिनट्स लगता है। इस वजह से हमने ऊपर यहाँ मतलब खेत में गौशाला बना दी है, तो हमें थोड़ा सा जाना पड़ता है दूर। और अभी मम्मा गाय को पानी दे रहा है। ये सोच रहा होगा कि कौन आ गई है ये। मम्मा को इन सब, मम्मा की आदत है इन सबको पड़ी हुई। मैं तो साल में शायद दो से तीन बारी जाती होगी इनके पास, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है यार। अच्छा अच्छा, ले घास, घास खाना है, ले खा ले। वो यहाँ पे ना ये हरा घास रखा है, मम्मा ने कल लाया था खेत से ये, और मैं इसे दूंगी अब गाय को, और देखते हैं मेरे हाथ से खाती है कि नहीं। वैसे तो खाएगी मुझे पता है, क्योंकि एक बारी मैं पहली बारी थी, मतलब एक दिन क्या हुआ ना, मैं दूध निकाल रही थी, मैंने बोला कि मम्मी मैं निकालती हूँ दूध, तो मैं निकाल रही थी और मेरे को डर डर के मतलब इसके थन से दूध निकाल रही थी, और इसने ना शायद पता नहीं क्या किया पूंछ से, तो और मैं इतना डरी, मतलब सच बोल मेरी गाय बहुत अच्छी है, और ये भी खुद डर गई थी और वो दूध सारा गिर गया, वेस्ट हो गया। तो सेब भी अभी इतने इतने हुए हैं। जुलाई हमारा जो सीज़न है वो अगस्त की एंडिंग में, सितंबर अक्टूबर में होता है। मेरे घास खाएगी कि नहीं पता नहीं। लली लली, ये तो इसने खा लिया। मम्मी दो ले ले। यस, खा लिया इसने। कहाँ पे? चलो परे तक चलते हैं। जब परे माँ क्यों किधर तुम? कहाँ पे? चलो आप, माँ बोल रहा है कि ऊपर मिस्त्री लगा है ना, तो उनको खाना देना है क्योंकि लंच टाइम हो गया है, और मैं आगे जा रही हूँ अपने खेत में। वैसे मैं जब कब तो गांव आती हूँ और जब कब अपने खेत को एक्सप्लोर करती हूँ। मम्मा ने यहाँ इधर कहीं बोला था कि मक्की मंगाई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे को तो मतलब लॉकडाउन में ही लगा पता कि मेरे खेत भी है कहीं, और यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है मक्का लगाई है, और शायद यहाँ ऊपर लगाई है। तो ये है मक्कियाँ, उनको मैं दिखाती हूँ। अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है।
होगा, बट यहाँ पे हरा घास है ही नहीं क्योंकि मम्मा ने यहाँ से सारा काट लिया है, क्योंकि सबसे नज़दीक खेत है ना, तो स्टार्टिंग वहीं से होती है जो नज़दीक खेत हो। अब ये हमारा ये खेत बहुत दूर है, वहाँ से लाता है, तो इस वजह से यहाँ पे तो है नहीं। मुझे लगा मैं काटूंगी घास, खुद चलते हैं फिर ऊपर घर और वहाँ पे देखते हैं अगर कुछ हुआ काम। मम्मा और एक मंदिर हमारा ये भी है, किलवालू जी का मंदिर है ये। जब घर जला था ना तो उस तब की लकड़ी ये ऊपर रास्ता। हम अपने घर पहुंच गए हैं। चूल उठा नीचे। मम्मा फिर से करो। जो ये चुल्लू नीचे गिरा है ना, कुछ कुछ यहाँ ऊपर से ऐसे गिर जाता है, तो इन सब को उठाना है क्योंकि इन सब चुल्लुओं को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनका चुल्लू का तेल बनता है और पहाड़ी लैंग्वेज में इसे पितनू बोलते हैं। तो मुझे ये सारा कुछ अभी उठाना है और इस बाल्टी में डालना है, उसके बाद लंच करते हैं। मुश्किल से उठाया मैंने, देखो और ये ना बहुत टेस्टी होते खाने में, बट अगर ये पक्के नहीं होते ना तो बहुत कड़वे भी होते खाने में। तो मैं दिखाती हूँ आपको ना, इसके अंदर। और जो ये डेली होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इन्हीं से ही तेल बनता है, चुल्लू का तेल बनता है, और वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी बाहर की ना चुरोली इमली जैसी होती है वो, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। पर इनके दिल को वेस्ट नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी, इतने टाइम बाद खाया। A few moments later. यार इसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, खाना वगैरह खा के मुझे नींद आ गई थी, और मम्मी वगैरह खेत गए और अभी बज रहे हैं, अभी टाइम हो गया है 7, और मुझे ऐसा लगता है मुझे इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड स्पेशली सब्सक्राइब। तो मैं बाहर चलती हूँ और मैं आपको व्यू दिखा लेती हूँ। तो व्यू तो मतलब ठीक ही है, लैंडर के ऊपर जाती हूँ फिर दिखाती हूँ। अरे यहाँ पे ना गांव में अरे परे काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम चल रहा है और मेरे घर में भी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी नॉइस में प्रॉब्लम होगी। मैं लैंडर के ऊपर आ गई हूँ और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। वैसे तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ।